हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र में दृष्टि दोष पर आंकिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये कहता है, एक वयस्क व्यक्ति है जो अपने सामने 2.5 मीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को देख सकता है, परंतु उससे आगे रखी वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई देती हैं, तो बताइए उसे कौन सा दृष्टि दोष है। तो यहाँ देखा जाए तो वयस्क को, जो वयस्क व्यक्ति है प्रतिबिंब के लिए दिया हुआ है भी का मान -2.5 मीटर और वस्तु कहाँ है, इनफाइनाइट पर है। तो देखा जाए तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष होगा। तो दोष वयस्क को कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। अब निकट में कौन सा लेंस लगाते हैं, तो अवतल लगाते हैं। चश्मे का उपयोग कौन सा होगा, तो अवतल लेंस होगा। अब इसकी फोकस दूरी कह रहा है, तो फोकस दूरी क्या होगी ये ज्ञात करना है। फार्मूला रख दिया जाए, 1/f = होता है 1/v - 1/u। मान रख दें तो देखते हैं 1/-2.5 है, -1/ ये भी इनफाइनाइट है, तो ये बचा 1/-2.5। पॉइंट को बदल दिया जाए तो माइनस ये हो गया 10/25। या चाहें तो हम इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है 2 और ये हो गया 5। तो 1/f = 2/5, तो f = 5/2, पुनः वही आया 2.5। साइन क्या होगा, माइनस। फोकस दूरी मिल गई मीटर। अब पूछ रहा है कि पावर कितना होगा, लेंस की क्षमता कितना होगा। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/f, तो ये लिखा जाए तो लेंस की क्षमता P जो होगी 1/f मीटर में 1/2.5 माइनस चिन्ह, तो इसका जो वैल्यू आएगा तो लिखा जाए तो मिलेगा -0.25×100 डायोप्टर। दूसरा सवाल देखा जाए, क्या कहता है, कह रहा है कि एक वयस्क है जो पुस्तक पर छपे हुए अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, परंतु वह पुस्तक को अपने से थोड़ा दूर लगभग 50 सेंटीमीटर पर रखता है तो उसे अस्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब कौन सा दोष है ये बताना है, और किस प्रकार का लेंस लगेगा, और इस लेंस की क्षमता कितनी होगी ये बताना है।
तो थोड़ा सा देखा जाए कि थोड़ा सा दूर 50 सेंटीमीटर पर ले जाता है तो उसको अस्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो वयस्क को दूर दृष्टि दोष है, अब ये जानते हैं कि इस दोष में उत्तल लेंस लगाया जाता है जब उत्तल लेंस लगाया जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी भी का मान दिया हुआ है क्या -50 सेंटीमीटर और नेत्र की निकट बिंदु यू वस्तु की दूरी हो गया 25 सेंटीमीटर। जब 25 सेंटीमीटर है और वस्तु को रखते हैं तो ये हो गया माइनस। फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है तो 1/f = 1/v - 1/u ये रख दें, 1/-50 और +1/25 क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस प्लस हो गया तो ये मिलेगा -1/(-2/50 यानी कि ये मिलेगा 1/50। तो लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब पावर पूछ रहा है तो power = 1/f सेंटीमीटर में तो है तो सेंटीमीटर में बदलना है, ये हो गया सेंटीमीटर में 100/f सेंटीमीटर में फोकस दूरी 100/50 यानी कि 2 डायोप्टर ये मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो दोषयुक्त नेत्र के दूर बिंदु के दूरी के बराबर होता है। तो मान लें दूर बिंदु की लेंस से दूरी मानते हैं, माना दूर बिंदु, दूर बिंदु कह रहा है तो दूर बिंदु की लेंस से दूरी, ये दूरी कह रहा है दूरी, तो इसका मतलब v = -x मान लेते हैं। अब वस्तु की स्थिति क्या होगी, वस्तु की स्थिति u = ∞ होगी। तो फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u से ये रखें तो 1/v का मान -x माइनस 1/-∞u का वैल्यू तो ये मिलता है -1/x f = -x। इसका मतलब ये हो गया कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी जो दोषयुक्त नेत्र दोषयुक्त नेत्र
कि नेत्र के दूर बिंदु की दूरी के बराबर है। ये मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल देखें तो ये कहता है एक निकट दृष्टिदोष युक्त व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को अस्पष्ट देख लेता है, तो इस निवारण के लिए लेंस की प्रकृति और क्षमता पूछ रहा है। तो दूर बिंदु दूरी दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर प्रतिबिंब दूरस्थ बिंदु दूरी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूर स्थित है, तो दूरस्थ बिंदु दूरी भी का मान दिया है 10 मीटर माइनस 10 मीटर। अब वस्तु की दूरी ये u बराबर माइनस इनफाइनाइट तो रख दें 1/f = 1/v - 1/u से ये मिलेगा -1/10। इसका मतलब फोकस दूरी माइनस 10 मीटर। पावर कह रहा है तो पावर = 1/f मीटर में, तो ये हो गया -1/10 -0.1 डायोप्टर। ये मिल जाता है। अगला सवाल देखा जाए तो ये कह रहा है एक दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का जो निकट बिंदु है 1 मीटर है, इस निवारण के लिए उसको किस क्षमता वाले चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। तो कह रहा है जो सामान्य व्यक्ति होता है उस नेत्र का निकट बिंदु दूरी देखें, निकट बिंदु दूरी ये मालूम है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी जब 25 सेंटीमीटर मिल गया और कह रहा है कि 1 मीटर तक निकट बिंदु 1 मीटर तक यानी कि प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी भी बराबर 1 मीटर कह रहा है। जब 1 मीटर कह रहा है तो लिखें 1 मीटर हो गया। अब इसको 100 सेंटीमीटर कर लिया जाए तो फोकस दूरी निकालना है 1/f = 1/v - 1/u। ये रखा जाए तो 1/100 - 1/25 ये भी माइनस, तो ये मिल गया -1/100 - 1/25। एलसीएम ले लिए तो 25, ये 25 लिखेंगे, एलसीएम ले लिया 100 तो ये हो गया -1 और ये हो गया -4
तीन बटे सौ एफ की वैल्यू चाहिए, तो एफ बराबर सौ बटे तीन, तो 33 99 ये लिख सकते हैं। तो ये मिलेगा 33.3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, पावर चाहिए, तो पावर इक्वल टू 1/f, ये मीटर में होता है, हमको चाहिए सेंटीमीटर में, तो 100/f हो गया सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू रख दिया जाए तो ये हो गया 100/33.3, तो 1000 हो गया, 333, यानी कि 3 बार कटेगा, 33 99, तो 999 हो जाएगा, ये मिलेगा डायोप्टर। अगला सवाल देखा जाए तो ये कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जो अधिकतम 60 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, तो सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ देखा जाए तो वस्तु की दूरी u का मान -∞, क्योंकि कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति अधिकतम 60 मीटर की दूरी तक अस्पष्ट देख पाता है, प्रतिबिंब की दूरी भी का मान -60 मीटर, तो f की वैल्यू निकालें 1/f = 1/v - 1/u से, तो ये हो जाएगा -1/60 और +1/∞, यानी कि ये हो गया -1/60। f का मान निकाला जाए तो -60 मीटर। अब पूछ रहा है कि पावर कितना होगा, तो यदि पावर हमको लिखना है, पावर इक्वल टू 1/f मीटर में है, 1/-60, ये मिलेगा माइनस, और 60 हो गया तो लिखें, दशमलव लगा दें तो 100 होगा, यदि लिखते हैं 0.0 100, यानी कि 1/40 और 7×42 7, ये मिल जाता है डायोप्टर। अगला सवाल ये कहता है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अधिकतम 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक में लिखे हुए अक्षर को स्पष्ट पढ़ लेता है, यदि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो देखा जाए नेत्र का निकट बिंदु u का मान -25 सेंटीमीटर
बिंदु दूरी है 25 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी जो वस्तु है प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी निकालना है तो 1/f = 1/v-1/u से 1/-25 और माइनस भी का मान है 1/-15 और u का मान 1/-25 तो ये लिख सकते हैं 1/ यहाँ लिख दें माइनस और ये हो गया 15 प्लस 1/25। लघुत्तम ले लें तो 25 और 15 का लघुत्तम देखा जाए तो लिखा जा सकता है 75 15 × 75 और 25 × 75 -2/75 तो f का मान 75/2 चिन्ह है ऋणात्मक तो ये हो गया 37.5 -37.5 सेंटीमीटर। ऋण चिन्ह है तो लेंस होगा अवतल अगला सवाल देखा जाए तो ये कहता है कि एक व्यक्ति अवतल लेंस युक्त चश्मे की सहायता से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ता है या देख पाता है। यदि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो तो बिना चश्मे के वह व्यक्ति कितनी दूरी पर रखी पुस्तक को या वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो चश्मे की सहायता से 25 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी देखा जाए तो वस्तु की दूरी U का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। अब पावर भी मालूम है तो F निकाल लिया जाए तो 1/p 1/-2.5 तो 2.5 डायोप्टर है इसको लिखा जाए 100/2.5 यानी कि 40 सेंटीमीटर 25 × 100 और दशमलव है तो एक बिंदु ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ से U है और यहाँ F है तो V निकालना है हमको तो ये लिख सकते हैं 1/f = 1/v-1/u तो 1/v यहीं रह गया ये हो गया 1/f और माइनस है तो 1/u प्लस में हो जाएगा। यहाँ से लिखें तो -1/40 और u का मान धन -1/25 लघुत्तम ले लें 25 और 40 का तो 25 × 100 200 होगा 200 40 में 40 से जब लिखेंगे तो 4×5 माइनस चिन्ह हो गया और ये भी माइनस होगा 25 से भाग देंगे तो
25 बटे 200, 13 बटे 200 मिल गया। यानी कि बिना चश्मे से वह व्यक्ति फोकस दूरी निकाला जाए तो माइनस 200 बटे 13 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेगा। अगला सवाल देखा जाए तो ये कहता है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो 100 सेंटीमीटर है, इससे अधिक दूर स्थित वस्तु उसे अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, अतः दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति एवं क्षमता बताइए। तो ये देखें तो यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि व्यक्ति का दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु की दूरी जो दिया हुआ है, वस्तु की दूरी u का मान माइनस इनफाइनाइट और प्रतिबिंब की दूरी भी का मान दिया हुआ है माइनस 100 सेंटीमीटर। तो फोकस चाहिए तो हम लिखते हैं 1/f = 1/v - 1/u, ये मिलेगा 1/v, क्योंकि ये समाप्त हो गया, माइनस है तो ये वैल्यू रखें तो 1/-100 सेंटीमीटर में है तो f का मान -100 सेंटीमीटर। पावर आपको चाहिए तो पावर बराबर 1/f, यानी कि ये मिलेगा -100/100 सेंटीमीटर में है, -1 डायोप्टर, ये मिल जाता है। यानी कि 1 - 1 डायोप्टर वाले क्षमता का अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा।